मैम ये अभी वास्तविक में चुनाव स्थिति कैसी है अभी पूर्वा जिले में? ये तो आप लोग बताएंगे, आप लोग जगह जगह लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, हमारी पार्टी की स्थिति क्या है। लेकिन जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, उससे जो जानकारी मिल रही है कि जनता का जो उत्साह है वो इस त्यौहार में ज़बरदस्त है और जनता बदलाव के मूड में है। भाजपा कांग्रेस त्रस्त हो चुके हैं यहाँ के प्रतिनिधियों से, उसका सीधा सीधा लाभ जो है बदलाव के मूड में बैठी जो जनता है वो हमारी पार्टी प्रत्याशी राम सिंह जी अग्रवाल को जिताने के लिए संकल्पबद्ध है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि आपके जो संकल्प पत्र आपने तैयार किया है कोरबा जिले के लिए, और खास तौर पे कोरबा जिले के, मैं शहरी की बात कर रहा हूँ, कि यहाँ पे आपका पार्टी का प्रथम मुद्दा क्या होगा? जैसे यहाँ तो आप कोरबा लगभग लगभग पूरे ट्रांसपोर्ट नगर में तब्दील हो चुका है। कोलाहल, प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मतलब आदमी के रहने लायक कोरबा नहीं रह गया है। जबकि भिलाई में एक ही इंडस्ट्री है, एक ही फैक्ट्री है, वो है इस्पात बनाने की। लेकिन यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, इसके बाद भी सामुदायिक विकास के नाम से यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने ऐसा कुछ नहीं किया कि जनता को कोई राहत मिले। ना मेडिकल फैसिलिटी है, ना एजुकेशन फैसिलिटी है, और आदमी की परचेसिंग कैपेसिटी तो है, लेकिन कोरबा को आप देखिए तो एक तरफ अमीर कोरबा है और दूसरी तरफ गरीब कोरबा है। अमीर कोरबा के क्षेत्रों में तो गार्डन है, झूले बने हुए हैं, सामुदायिक भवन है, और वहाँ के लोग अपने हिसाब से प्रतिनिधियों के ऊपर दबाव बनाकर काम करते हैं। लेकिन जो झुग्गी झोपड़ी बस्ती है, वहाँ के लोगों को नगर निगम में रहने वाले निवासियों को उन्होंने नरक निगम की जो सुविधा है वो भी नहीं दे रहे हैं, मूलभूत सुविधाएं भी छीन लिए हैं, और स्थिति बड़ी विस्फोटक है। इस क्षेत्र में 90,000 जो है झुग्गी झोपड़ी में निवासरत लोग हैं, लगभग 113 झुग्गी झोपड़ी जगह में मतलब चिन्हांकित बस्तियां हैं, और आप खुद जाकर देख लीजिए, बड़ी परेशानी है। और उनको हमेशा डर लगा रहता है कि स्मार्ट सिटी के नाम से बीजेपी की जो सरकार है कभी भी हमको हटा सकती है। समय समय पर ये लोग पट्टा देने के नाम से सर्वे कराते हैं, तो वहाँ के लोगों को लगता है कि शायद हमारे छत हमसे शायद छत जो है वो हमारे यथा स्थिति बनाए रखेंगे पट्टा देने के बाद। लेकिन 15 साल हो गए आज तक पट्टा नहीं दी बीजेपी सरकार, योगी जी के शासनकाल में लोगों को पट्टा मिला इस क्षेत्र में, और हमने अपने चुनावी घोषणा, उसको घोषणा पत्र नहीं, उसको संकल्प पत्र नहीं, उसको शपथ पत्र के माध्यम से हम लोगों के बीच में गए और बोले हम पट्टा देंगे। और CBSE पैटर्न पर यहाँ पर लगभग लगभग ऐसे स्कूल की व्यवस्था की जाएगी कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग और सामान्य लोग भी अपने बच्चों को उन स्कूलों में भेजकर पढ़ाई करा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि जैसे आपने कहा कि कोरबा दो भागों में बटा, एक अमीर एक गरीब, तो एक बात तो सही है कि नगर निगम जो गरीब निकाय है वहाँ पे विकास नहीं हुआ है, लेकिन अब अमीर क्षेत्र में कौन से क्षेत्र में विकास आपको नजर आ रहा है? वही तो मैं बोल रहा हूँ, जो शहरी क्षेत्र में के जो जो कॉलोनी है आज वहाँ के लोग भी परेशान है। कुल मिला के पूरा नगर निगम नरक निगम में तब्दील हो चुका है। मतलब नगर निगम कांग्रेस की जो सत्ता रही है उस कार्यकाल से आप संतुष्ट नहीं रहे? नहीं, मैं क्या, पूरी पब्लिक नाराज है। जो अपेक्षाएं थी विधायक महोदय जिस मुद्दे को लेकर अपनी धर्मपत्नी को जिताने के लिए जनता के बीच में जनादेश लेने के लिए जब नगर निगम चुनाव में गए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं प्रॉपर्टी टैक्स संपत्ति कर माफ कर दूंगा और बिजली बिल जो है वो लोगों को नहीं देना है,
और बहुत सारी चीज़ें जो है वो जनता बोले थे लेकिन वो अपने वादे पर खरे नहीं उतरे, और लोगों का मतलब आक्रोश जो है वो उस दिन देखने को मिला जिस दिन जनता कांग्रेस जोगी के प्रत्याशी राम सिंह जी अग्रवाल जो है जब नामांकन फॉर्म भरने के लिए जा रहे थे तो स्वयं के साधनों से जनता सड़क पर उतर के आई और मतलब एक जो जन सैलाब उमड़ा उसकी सुनामी से हमारे भाजपा और कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कई दशकों से भाजपा की सरकार बनी रही है। ये प्रथम दशक ऐसा था 5 साल वाला कि जिसमें यहाँ से सांसद जी डॉक्टर बंसीलाल महतो जी को जीत हासिल हुई जी। तो उनके कार्यकाल से पूर्व में क्या क्या प्रगति हुई, क्या क्या विकास हुआ, ये तो वही बताएंगे, जनता को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपकी दृष्टि में आपको उन्होंने कुछ किया अपने जो उनको सांसद राशि प्रतिनिधि जो मिलती थी उससे, कहीं किसी जिले में कोरबा की या कोरबा शहर का पर्टिकुलर कहीं पर उन्होंने विकास किया? वो तो सर्वविदित है कि खनिज न्यास निधि का उपयोग किसने किया और क्यों किया और किसको सबसे ज़्यादा पीड़ा हो रही थी। कांग्रेसी भाइयों को बड़ी पीड़ा हो रही थी, भाजपा के लोगों को पीड़ा हो रही थी कि खनिज न्यास निधि का जो मद है उसका सही सदुपयोग सांसद महोदय स्वहित में कर रहे हैं, ये तो सबको मालूम है। अच्छा, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है वो छत्तीसगढ़ राज्य से ताल्लुक रखता है कि रेणु जोगी अभी तक के कांग्रेस की प्रत्याशी रही हैं जी, अचानक कांग्रेस के प्रत्याशी से ना उनको बर्खास्तगी कोई सूचना दी गई ना कुछ किया गया, तो इसके पीछे कांग्रेस की क्या मंशा रही होगी या क्या वजह रही होगी जी कांग्रेस ने उनसे इस तरह का व्यवहार किया? एक लंबा उनका पारिवारिक संबंध रहा है नेहरू गांधी परिवार से, अजीत जोगी और रेणु जोगी जी का, और वैसे भी महिलाएं काफ़ी इमोशनल होती हैं। जोगी जी के निर्णय लेने के बाद भी वो अंतिम तक इस प्रयास में लगी रही कि मैं कांग्रेस में ही रहूंगी, और जोगी जी के साथ जो व्यवहार हुआ है वो गलतफहमी में हुआ है। जब उनके साथ ऐसा हुआ तो उनको लगा कि एक सुनियोजित रणनीति के तहत मुझे कांग्रेस की राजनीति से बेदखल किया जा रहा है, और जब उनकी टिकट कटी जबकि वो सिटिंग MLA थे और प्रतिपक्ष उपनेता भी थी, पहले उनको उपनेता पद से हटाया गया, कुछ नहीं बोली, और समय समय पर कांग्रेस के वरिष्ठ जन उनको अपमानित ही करते रहे, लेकिन महिलाओं में सहन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है और उन्होंने अपनी सहनशीलता का परिचय दिया, और कोई भी व्यक्ति कब तक बर्दाश्त करेगा, एक समय होता है, एक सीमा होती है, जब समय सीमा विरोधी लांघ जाते हैं तो निर्णय लेना पड़ता है। उन्होंने निर्णय लिया है, वो कोटा विधानसभा के मतदाताओं के पक्ष में निर्णय लिया है कि मैं आप लोग की सेविका बनकर लंबे समय से काम कर रही थी और आगे भी काम करूंगी, और वहाँ की जनता ये तय कर चुकी है कि आने वाले समय में कांग्रेस को हम लोग सबक सिखाएंगे। मतलब कुल मिला के आप आज तो आपने कांग्रेस छोड़कर जोगी कांग्रेस में आ गए हैं, कुल मिला के मतलब ये है कि कांग्रेस को सिटिंग MLA के व्यवहार की भी कदर नहीं रही और एक महिला होने के नाते भी महिला की कोई इज्जत नहीं थी? नहीं, वहाँ महिलाओं की कोई इज्जत है ही नहीं। अच्छा, भाजपा विधायक प्रत्याशी अभी विकास महतो के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? युवा प्रत्याशी हैं और नया फेस है, और उनका राजनीति में ऐसा कोई जन आंदोलन के नाम से लोगों के बीच में पहचान नहीं बन पाई है, और जो भी पहचान है वो सांसद महोदय के पुत्र के हैसियत से एक पहचान है। अब वो जनता किस रूप में उनको देखती है तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।